भाजपा के वोटर बढ़ ही रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो भाजपा फिर 15 राज्यों में चुनाव कैसे हारी है? भैया जीत वहां रही है जहां उनका मुकाबला ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस से है, तो अपनी ताकत से जीतने के बजाय वो कांग्रेस की। मैं सबनाज और मेरे साथ रब जुलाई देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ने वाले प्रभाव पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस गठबंधन का कितना असर होगा ये इस पर निर्भर करता है कि गठबंधन कितना बढ़िया बनता है और कितना बढ़िया चलाया जाता है। आप कोई किताब खरीद कर घर लेकर आइए, उससे परीक्षा तो पास नहीं हो जाएगा। सबसे बढ़िया जो मार्केट में किताब है उसे खरीद कर ले आइए, बगैर पढ़े तो आप पास नहीं होंगे। जी हाँ, इंडिया अलायंस भी वैसा ही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि इंडिया अलायंस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किताब जमा कर लिया है लेकिन उसको पढ़ा भी नहीं। कोई उसका कार्यक्रम हो, नैरेटिव हो, नीचे जनता उससे जुड़े और समझे तब तो फायदा होगा। किताब खरीद कर लाकर घर पर रख दीजिएगा और कहिएगा कि परीक्षा में कितना नंबर आया। बढ़िया पढ़ेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा और नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। भाजपा के वोट बढ़ने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भाजपा बीते दिनों में 15 राज्यों में चुनाव कैसे हारी है। भाजपा जीत वहां रही है जहां पर कांग्रेस कमजोर है। भाजपा का ज्यादातर जगहों पर मुकाबला कांग्रेस से है। भाजपा अपनी ताकत से जीतने के बजाय कांग्रेस की कमजोरी से ज्यादा जीत रही है। पिछले बार जो साल 2019 में चुनाव हुआ उसमें भाजपा को पूरे देश में 38% वोट मिले। अगर 100 लोग जो वोट देने गए उसमें 62 आदमी भी भाजपा के साथ नहीं है, अब जो 62 लोग भाजपा के साथ नहीं थे उसे एकजुट करने वाला कोई व्यक्ति या राजनीतिक ताकत नहीं है, इसलिए भाजपा आपको मजबूत दिख रहा है। जब वो ताकत कोई बना लेगा तो भाजपा को तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट मिलता है। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम की ताकत है, वो नई नहीं है और बहुत कुछ प्रशांत किशोर ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कितना फर्क पड़ेगा इस पे निर्भर करता है कि इंडिया गठबंधन कितना बढ़िया बनता है, कितना बढ़िया उसको चलाया जाता है, क्या कार्यक्रम। भैया ऐसा है, कोई आप किताब खरीद के ले आइएगा घर, उससे परीक्षा पास हो जाइएगा? सबसे बढ़िया जो मार्केट में किताब है वो खरीद के ले आइए, बिना पढ़े हुए आप पास हो जाइएगा? तो इंडिया अलायंस वैसे ही है कि आपने किताब मार्केट से जमा कर लिया, अब उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा भाई। कोई उसका कार्यक्रम हो, नैरेटिव हो, नीचे जनता उससे जुड़े समझे तब तो फायदा होगा। किताब खरीद के ला के घर रख लीजिएगा और कहिएगा परीक्षा में कितना नंबर आएगा, पढ़िएगा, बढ़िया पढ़िएगा तो बढ़िया नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। वही हाल इंडिया अलायंस का भी होगा। भाजपा के वोटर बढ़ ही रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो भाजपा फिर 15 राज्यों में चुनाव कैसे हारी है? भैया जीत वहां रही है जहां उनका मुकाबला ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस से है, तो अपनी ताकत से जीतने के बजाय वो कांग्रेस की कमजोरी से ज्यादा जीत रहे हैं। भाई पूरा जो आपने कहा भाजपा का वोट बढ़ रहा है, ठीक बात है, वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ उसमें भाजपा को 38% वोट पूरे देश में मिला, तो अगर 100 लोग जो वोट देने गए उसमें 62 आदमी तो भाजपा के साथ नहीं था, 38 आदमी भाजपा के साथ था। अब जो 62 आदमी भाजपा के साथ नहीं था उसको एकजुट करने वाला कोई ताकत, कोई फोर्स, कोई राजनीतिक पार्टी नेता नहीं है, इसलिए भाजपा आपको मजबूत दिख रही है। जब वो ताकत कोई बना लेगा तो भाजपा को कोई ऐसा तो है नहीं कि 50% से ज्यादा वोट आ रहा है। अरे भैया हिंदू मुस्लिम का ताकत उनको कोई नया नहीं ना आया है, ये तो 50 बरस से उनके पास है। भाजपा चुनाव उससे पहले नहीं हार रही थी, ये तो पीछे 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खैर ये खबर यहीं तक, फिर से खबर के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।